व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो के अंदर आपको रियल क्रिकेट 21 वर्सेस हाइडोस 380 गेम के बारे में बताने वाला हूं। तो इन दोनों गेम्स में से क्या क्या चीज़ें एक गेम में मतलब बेहतर है, कौन सा गेम सबसे ज़्यादा बेस्ट गेम देखने को मिलने वाला है आप सभी को, और कौन सा गेम आपको थोड़ा लो लेवल का गेम देखने को मिलने वाला है, वो आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक तो देखना बनता है, वीडियो को लाइक करना भी बनता है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए क्रिकेट रिलेटेड जो भी न्यू यहाँ पर अपडेट आती है वो सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो रियल क्रिकेट 21 गेम है उसके बारे में और हाइडोस 380 गेम है, जो इन दोनों गेम्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है। इन दोनों गेम्स के दोनों फीचर्स, जितने फीचर्स होते हैं सभी फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो दोस्तों चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, चलते हैं जल्दी से वीडियो की ओर। तो दोस्तों आज मेरा जो समझाने का तरीका है वो आज अलग होने वाला है, बिल्कुल यूनिक तरीके से मैं आज इस वीडियो के अंदर आप कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, इधर तो मैंने लिखा हुआ है हाइडोस 380 और इधर लिखा हुआ है रियल क्रिकेट 21। तो इसका मतलब है कि मतलब हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आज कंपैरिजन करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस साइड हम हाइडोस 380 के फीचर्स लिखेंगे और इस साइड हम रियल क्रिकेट 21 के फीचर्स लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हाइडोस 380 के अंदर जो फीचर आता है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फीचर है। तो हाइडोस 380 के अंदर जो फीचर आता है, फर्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं, जो कैरियर मोड यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो कैरियर मोड देखिए, हम देख के बताता हूँ मैं आपको किस एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलने वाला है। हाइडोस 380 गेम के अंदर आपको कैरियर मोड जो है देखने को मिल जाएगा, और जो रियल क्रिकेट 21 है उसके अंदर आपको नॉट श्योरेबल, मतलब कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी यहाँ पर श्योर नहीं हूँ। क्योंकि गाइस, जो गेम ये हमें मतलब रियल क्रिकेट 20 मिलता है उसके अंदर हमें कैरियर मोड नहीं मिलता, तो रियल क्रिकेट 21 के अंदर कुछ भी श्योरेबल हम नहीं कह सकते, श्योरिटी के साथ बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर इस चीज़ के मैं यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं कह सकता हूँ, अगर चांसेस हैं वैसे आने के, मैं आपको पहले बता रहा हूँ चांसेस हैं आने के, बट पक्का कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर यहाँ पर हम बता देते हैं वो है मल्टीप्लेयर। मल्टीप्लेयर आपको दोनों ही गेम में यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दोनों ही गेम्स के लिए यहाँ पर मल्टीप्लेयर अवेलेबल है दोनों ही गेम के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इन दोनों गेम्स के ग्राफिक्स के बारे में, दोनों गेम्स में आपको कैसे ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं। तो इन दोनों गेम्स के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्राफिक्स के बारे में। ग्राफिक्स के अगर हम यहाँ पर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो WCC 3 गेम है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे HD क्वालिटी के यहाँ पर हमें ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, अल्ट्रा HD क्वालिटी के भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वो गेम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बट हाँ, इस हाइडोस 380 का जैसे कि हमने ट्रेलर देखा है, तो ट्रेलर के अंदर हमें मतलब कि कुछ ऐसा अंदाज़ा दिख रहा है कि WCB की तरीके से इसमें भी कुछ कार्टूनेबल से हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो मुझे यहाँ पर जो कि बिल्कुल भी पसंद, क्या करें यार, हमें मुझे लगता है कि हाइडोस 380 के अंदर ये चीज़ फेस हमें ज़रूर से ज़रूर करनी पड़ेगी, जो कि हमें रियल क्रिकेट 21 के अंदर हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पर कोई भी इस तरीके का हमें नहीं देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल की रियल देखता है हमें रियल क्रिकेट 21 गेम के अंदर हमें रियल देखने को मिलने वाला है बिल्कुल ही। क्योंकि यहाँ पर जो रियल क्रिकेट 20 गेम था सेम टू सेम कुछ ऐसे ही ग्राफिक्स हमें रियल क्रिकेट 21 के अंदर मिलने वाले हैं जैसा कि रियल क्रिकेट 20 था। तो अभी इसी टाइप के हमें ग्राफिक्स रियल क्रिकेट 21 में भी देखने को मिलने वाले हैं, मतलब कि 20 वाले ग्राफिक्स ही हमें यहाँ पर 21 में देखने को मिलने वाले हैं। तो जो कि एक बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ हो जाती है रियल क्रिकेट की कंपनी की ओर से। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी चाहिए, यहाँ पर फीचर्स के हमने बात तो कर ली है, प्लेयर्स की कस्टमाइजेशन मतलब कि प्लेयर्स के खेलने का तरीका जो होना चाहिए वो किस गेम के अंदर हमें अच्छा देखने को मिलता है वो आपको बता देता हूँ। जो कि हमें WCC 3 गेम के अंदर मिलता था सेम टू सेम मुझे लगता है हाइडोस 380 के अंदर भी वही देखने को मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा, जो WCC 3 गेम है उसके अंदर हमें बिल्कुल भी सेम अच्छी तरीके से मतलब कि बॉलिंग जो गेंदबाज करता है उसका स्टाइल बिल्कुल भी किसी के साथ सेम नहीं है, सब स्टाइल सबके सेम यहाँ पर देखने को मिलते हैं WCC 3 के अंदर, जो कि बहुत ही गलत चीज़ मुझे लगती है। तो यहाँ पर जो रियल क्रिकेट 20 गेम है उसके अंदर जो भी प्लेयर है इसी टाइप से यहाँ पर बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, जिस टाइप से वो रियलिटी में मतलब खेलता है और बैटिंग करता है उसी टाइप से यहाँ पर इस गेम के अंदर भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है रियल क्रिकेट 21 इस चीज़ में भी हाइडोस 380 से
आगे जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे लगता नहीं हाइडोस 380 सेम बना सकता है, बना तो सकता है बट हाँ लगाएगा नहीं, क्योंकि कार्टूनेबल मुझे लग रहा है इस बार फिर से कार्टूनेबल वहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है WCB की तरह है। तो मतलब कि यहाँ पर हमें बिल्कुल WCB की तरह ही यहाँ पर शायद से देखने को मिल जाएगा हाइडोस 380। तो ये मुझे बहुत ही गलत चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि यार हाइडोस 380 बिल्कुल ब्रांड न्यू मतलब बेस्ट गेम होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये कार्टूनेबल तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी भी गेम के अंदर, बट हाँ इसके अंदर हमें ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि यहाँ पर हमें WCB और मतलब कि WCC बोल सकते हो या फिर आप इनको हाइडोस 380 और रियल क्रिकेट 21, मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ हाइडोस 380 RC 21। तो मैं अभी बात कर लेते हैं इनके नेक्स्ट फीचर के बारे में, अभी बात कर लेते हैं जो इनका नेक्स्ट फीचर है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हर एक गेम में वो फीचर होना चाहिए। तो इस गेम के अंदर हमें वो फीचर हमें हर मतलब इन दोनों की कंपनी की गेम के ओर हमें सेम मिलता है हमको, तो इन गेम्स की कंपनी की ओर से वो जो फीचर मिलता है उसका नेम है IPL। मतलब कि IPL किस किस गेम में हमें देखने को मिलने वाला है इनमें से वो बात बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हाइडोस 380 में हमें NPL देखने को मिलने वाला है NPL, ठीक है, और रियल क्रिकेट 21 में हमें देखने को मिलने वाला है RCPL। तो जो कि इन दोनों में बेस्ट होने वाला है कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों में बेस्ट होगा रियल क्रिकेट 21 का RCPL, क्योंकि गाइज इसमें यहाँ पर हमें RCPL में मतलब रोड टू RCPL जो इतना भी हमने स्टार्टिंग से किया था स्टार्ट और लास्ट तक मतलब 2021 के न्यू प्लेयर्स भी हमें यहाँ पर कस्टमाइज़ करके दिए जाएंगे, जो कि हमें हाइडोस 380 के अंदर नहीं मिलने वाले हैं, जो कि हमें RC21 के अंदर मिल जाएंगी। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ हो जाती है कंपनी की ओर से, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कस्टमाइज किया जाने वाला है ये गेम, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ हमें इस गेम के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में, बट हाँ उससे पहले यार वीडियो को लाइक नहीं किया है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो बनाने के लिए, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, क्रिकेट रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगी, तो जल्दी सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर ही लो। गाइस अब बात कर लेते हैं इनके नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि हमें बता देता हूँ मैं, गेमिंग एक्सपीरियंस किस गेम के अंदर हमें अच्छा देखने को मिलने वाला है, स्मूथली एक्सपीरियंस किस गेम के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है, तो वो बता देता हूँ स्मूथ गेम एक्सपीरियंस हमें किस गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है। वो गेम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, उस गेम का नेम है हाइडोस 380, ठीक है। यहाँ पर जो रियल क्रिकेट 21 होने वाला है उसके अंदर शायद से थोड़ा बहुत लैग हमें देखने को मिल सकता है और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, तो ये मुझे यहाँ पर फेस करने को रियल क्रिकेट 20 के अंदर मिलती थी, तो अभी यहाँ पर लगता है रियल क्रिकेट 21 के अंदर भी शायद ये प्रॉब्लम फेस हमें करने को मिल सकती है, किसी किसी डिवाइस के अंदर हमें शायद से मिलती हो, मुझे पक्का मतलब मैं कह नहीं सकता इस बारे में, बट हाँ मेरे डिवाइस में कभी कभी ये लैग कर जाता है। और तो यहाँ पर जो नेक्स्ट अभी यहाँ पर बता देता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पर जो होने वाला है वो है सबसे मेन चीज़ कमेंट्री, ठीक है। कमेंट्री हमें यहाँ पर किस किस की देखने को मिलने वाली है हाइडोस 380 के अंदर और रियल क्रिकेट 21 के अंदर, कौन से गेम में हमें यहाँ पर कमेंट्री अच्छी देखने को मिलने वाली है, किस किस की कमेंट्री हमें देखने को मिलने वाली है दोनों गेम्स के अंदर, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए जो रियल क्रिकेट 21 गेम है इसके अंदर आपको कोई भी प्रोफेशनल कमेंट्रेटर्स की कमेंट्री तब देखने को मिलने वाली है जब आप उस कमेंट्री को परचेज कर लोगे, और मुझे उम्मीद है आप परचेज भी कर ही लेते हो, मुझे लगता है RC21 की जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको आप परचेज भी बहुत ज़्यादा करते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें आपको परचेज करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हाइडोस 380 गेम है उसमें आपको यहाँ पर देखिए परचेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी WCC 3 के अंदर भी हमें यहाँ पर कमेंट्री 3 कमेंट्रेटर्स की देखने को मिलती है फ्री में, और अगर आप यहाँ पर हाइडोस 380 की बात करो तो यहाँ पर ये न्यू गेम है, तो यहाँ पर आपको इस गेम के टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पर आपको आकाश चोपड़ा और 2-3 कमेंट्रेटर्स की कमेंट्री प्रोफेशनल कमेंट्री आपको यहाँ पर फ्री में देखने को मिलने वाली है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बेस्ट बात हो जाती है। अगर देखिए अभी आपको यहाँ पर इतना ही मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, देखिए अगर आपको देखिए अभी भी कोई दिक्कत हो कमेंट के अंदर जरूर से बताना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों देखिए अभी की वीडियो में इतना ही मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।